जनतंत्र में जनता के जो अधिकार मिलल बा वो अधिकार के खरीद हल जाता या दबंगई देखा के दबाव दे के ना हमारा के वोट दे तोहरा के मर्डर कर दे तोहरा के केस में फंसा दे यह ढंग के धमकी दिया था। वो आधार पर जो अफसर वर्ग बा सरकारी तंत्र जकर आगे कहल जाला वो यह तरह के मामला खोजता कि झूठा केस भी हमारा भिरी आवे थाना बहक के भी लोग ये मनावेला कि कहीं ना कहीं से कुछ केस आ जाए झूठा या सच्चा एफ आई आर आ जाए ताकि ओकर तहकीकात में हम कुछ कमाई कर ली। तो सरकार के अंग जौन बा ये पदाधिकारी गण BDO CO SDO DM तक ये सब नीचे से जितना क्लर्क माने घुसखोरी में कैसे हम आगे अधिक कमा ली है एक और कंपटीशन बा ये बात ठीक बा के नीति बना ताकि गांव में विकास होके के चाहे अब भाई भी वा विकास लेकिन ओकरा कोई गुना लूट खसोट हो रहा बा भ्रष्टाचार हो रहा बा ठेकेदार के द्वारा अफसर लोगन के द्वारा सुनियोजित ढंग से जमीनी स्तर पर ऐसे लोग काफ़ी तबाह बा आ सही माने में टिकाऊ काम नहीं के होत। अभी रोवा लोग जो ना सड़क से आईली हैं वो सड़क के अभी बनला अढ़ाई बरस तीन बरस होखा था नियम बाटे कि हर एक सालों करा के ठेकेदार पाँच साल तक सात साल तक मरम्मत करी लेकिन उजर रहल बा दू नंबर के गेटी आ सीमेंट दे करके मामूली और समाजी कल गई बा ए तरह के हर निर्माण सरकार के तरफ जितना हो रहा बा उ धराशाई हो रहा बा आ बर्बाद हो रहा बा लूट हो रहा बा यह लूट में अफसरशाही लोकतंत्र पे के मुखिया तो हमू रही है रामपुर पंचायत के और मुखिया के समय में हम BDO के SCO के सलाम ना करत रही। आज के लोग इतना मुखिया या सरपंच लोग बा BDO के 27 बार सलामी देता खातिरदारी करता हम ही कुछ ना करत रही एकरा खातिर एगो GPS रहन हमारा नवानगर प्रखंड के कहे कि सब मुखिया लोग सलाम करते हैं आप कहीं नहीं सलाम करते हम करके सोने अगर हमारा के मुखिया के रूप में नहीं देखत से देखत नहीं कि ज़्यादा हम एगो नौजवान लड़का बने इनका सलाम कर उम्र के हिसाब से उनका के सलाम करे के चाहे हमारा से ज़्यादा उम्र के बने लेकिन ये सोचत हो खब कि पंडित जी हमें आई यादव जी हमें यह नाते भी सलाम करे के चाहे लेकिन एज ए मुखिया हम जनता के प्रतिनिधि बानी सबसे ऊंचा बानी उनकरे हमरा के सलाम करे के चाहे हम उनकरे कहे सलाम करब एकर बाद तुरंत दो चार दिन के बाद प्रदर्शन रहे माइक लेके भाषण में है बतिया बोलनी चारों तरफ से ताली बाजल और BDO माफ़ी मांगला यह ढंग के कुल अफसर शाही बा इतना ना विकराल रूप में बाकी अगर कोई अफसर के खिलाफ बोल दी है कहीं तो खोजत रहे कि कोई ना कोई दरखास्त को दे देते FIR करा दे इस तरह के हावी हो गई बा जनतंत्र के सबसे बड़ा खतरा ये बा अफसर तंत्र तो जनतंत्र के जो प्रणाली चलल बा आज़ादी के बाद से काफ़ी तरक्की और विकास भल जनतंत्र बढ़ल फूलल लेकिन आज के युग में खास करके पिछला एक दशक पंद्रह बरस के अंदर 20 बरस के अंदर अपराधी प्रवृत्ति के लोग राजनीति में आगे आगे बा मर्डरर खूनी लूट खसोट ठेकेदारी करने वाला अभी भी देख ले हैं बालू माफिया का मैंने राय चला था हमने के देश में अब कुल बालू माफिया शिक्षा माफिया सहकारिता माफिया बैंक माफिया ये सब माफिया गिरोह हो गए हर माफिया गिरोह के एगो ना एगो प्रतिनिधि अवतरण पंचायत के चुनाव में जनता उनकरा बारे में जानत भी नहीं के पूरा जानकारी भी नहीं के हो पावत मीडिया के लोग के हम बधाई देता नहीं कि जहाँ जहाँ कुछ जानकारी मिलता ओकरा के उजागर लोग करता अब भाइयों सच्चा पत्रकारिता बा वो हमें भी कुछ लोग व्यवसाय बना दिला बा अपवाद में उछोड़ी ओकरा के देख कहे के लेकिन कुल मिला के जनतंत्र के मजबूत पाया के रूप में पत्रकारिता बा मीडिया बा ये अपन भूमिका अदा कर रहा बा लेकिन एकरों पर अफसर तंत्र के अफसरशाही के हमला हो रहा बा आ कहीं ना कहीं लोगन के अपना आप गस्त में ले रहता है सन अपना प्रेम भाव मिला करके कई को लोग बाह तरह के हम देखा था नहीं कुछ ज़्यादा अफसर है लोगन के बात या उनका खिलाफ कोनो बात बोल दे के हूँ तो तुरंत वोरा से संपर्क करता है कि भाई तुम्हारे बारे में है शिकायत आ रहा बा जैसे बिजली विभाग के वर्षीय लापरवाही करता तो पर को क्लेम दी हल जाओ
तो तुरंत पत्रकार महोदय से संपर्क करता है का बात बा भाई तुहरा। अब वो गोले उनका खर्चा बर्चा तेल पानी के मिल गए ते मैं खुश बाँ ते तरह से हमारे में जनतंत्र के काफ़ी कमजोरी हो रहा बा हमला हो रहा बा ब्यूरोक्रेट के द्वारा अफसरशाही के द्वारा। तो सबसे खतरा अफसरशाही बा आ लोग भी यही मानसिकता के हो रहा बा चुनाव आइल बा तो कुल उम्मीदवार के संगे बारी बारी से घूमता। अब हमारे बीडीसी के उम्मीदवार बाड़े ये गोले ओमें ओहू तरह के लोग रह कि जुलूस में जाए तो हमरों के नाश्ता पानी मिली ऐसा का लोग के कैसे रोकल जा सकता। हमें जाए प्लान बना के 15 के चलनी कि 20 के चलनी आजा पहुँच पहुँच लोग 100-150 हो जाता। अब हर एक उम्मीदवार में भागीदारी होकता ये देखे कि एगो उम्मीदवार में जितना उम्मीदवार बाड़े अगर मौका मिले तो हर एक उम्मीदवार लोगन के जत्था में जाके शामिल होता है। ये खाते कि अभी तो मिठाई बटाता का बोले कुछ ऐसा उम्मीदवार बना जो पैसा बटी हैं तो पैसा के लालच में अभी चारों तरफ एने सने घूमता रहा फिरता है। तो ये जनतंत्र खातिर खतरा बा ये प्रवृत्ति जौन बा जनतांत्रिक देश में अच्छा नहीं है लेकिन एकरा खिलाफ गोलबंदी होकर के समाज के लोग गण के काफ़ी एकजुट होकर के विरोध करना भी जरूरी बा जौन हो नहीं है पावत। तो चुनाव में आगे कहीं खुले हम विरोध करे के चाहे मीटिंग करे के चाहे तो बस चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप करे के बंद कर दिया जाए वही तरह के बंद कर उम्मीदवार हमारे बाले एकरा पर एफ आई आर भर कुल मिला के प्रशासनिक विफलता हो रहा बा यह माने में कि कैसे कमाई हो। तो सबसे ज्यादा जनता पर खतरा ही है बा अतने अभी हम कह कि अफसरशाही के खतरा जनतंत्र पर मड़रा रहा बा और बाकी लोग जौन बा बेरोजगारी से पिसाता सामाजिक तौर पर पिछड़ल बा उनकरा के आगे बढ़ावे के प्रश्न जौन अभी बा पेंडिंग पड़ल बा दर में दिन पर दिन और नीचे जा रहा बाड़े।